नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसा लग रहा है जितनी तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी कर रही है, मानवता और इंसानियत उतनी ही पिछड़ती जा रही है। हमारे 30 दिन 30 केसेस की श्रृंखला में ये केस इसी बात का सबूत है। ये शर्म की बात है कि हमारे देश में हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में हर रोज 88 रेप के मामले होते हैं, यानी एक साल में 32,033 रेप। ये आंकड़े दहलाने वाले हैं और इससे भी अफसोस की बात ये कि आंकड़े साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ये वो केस हैं जो रजिस्टर्ड हुए, लेकिन ऐसे रेप के न जाने कितने ही केस हैं जो कभी दर्ज ही नहीं हुए। पैसे और पावर की वजह से ऐसे केसों को दबा दिया गया। ए विद्या, चाट बनाओ, हमारे लिए पेट गर्म हो रहा है हमारा। इतनी चाट खाओगे तो यही होगा ना, खुद बना लो, मेरा सर दर्द हो रहा है। सारा दिन इंस्टा में घुसी रहती हो, मेरा लैपटॉप तो दुखेगा ना। लैपटॉप वापस हो मेरा। अरे देखें तो, इसमें पढ़ती भी हो या चैटिंग वेटिंग में ही लगी रही। अरे वाह वाह वाह, का लक्षण भैंस बराबर जैसे, तो तुम्हें समझ में ही आ जाएगा, मेरा लैपटॉप वापस दो। दो गज लंबी जवान हो गई तेरी। जब देखो झगड़ते रहते हो, देंगे एक झाफड़ दोनों को। ए बिनिया की अम्मा, हम मंडियों के आते हैं। अरे सुनिए, आलू लेते आइएगा, भूलिए। हां हां ठीक है। अरे लड़के, तू कहां जा रहा? दोस्त से मिल के आ रहा है। अरे तेरे दोस्त की। चलो अम्मा, अब अम्मी चलते हैं। कहाँ चलती हूँ? अरे क्लास मिस हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वैसे भी भैया बाबा है नहीं घर पे, तो झट से गई फट से आई। तो आप सबने अपना नाम लिखना और साइन करना सीखा? अरे साइन करना मतलब हस्ताक्षर। तो दिखाएं फिर सभी लोग। बढ़िया सीता जी। कमला भाभी, आज आपने फिर से होमवर्क नहीं किया। अरे ये तो बड़ी निकम्मी है। टीचर जी, मैंने सब कुछ किया। दादी बहुत अच्छे, लेकिन आज आपने अपनी बहू को सीधा निकम्मा बोल दिया। मुझे पता है आपने ही इन्हें काम पे लगाया होगा, है ना? सही कहा बिंदिया। छुट्टी कहीं की? अरे अरे लड़ना बंद करो आप दोनों। कमला भाभी, आज आप यहीं बैठकर अपना काम पूरा करेंगी, और दादी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है बिटिया। चलिए तो बाकी लोग जितना अभी तक पढ़ाए हैं, आप सभी लोग दोबारा से लिखेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है? मैं चलती हूँ। काकी के भी नहीं है, वहां भी नहीं है, फिर कहां चली गई बिनिया? हजार बार समझाया तुझे, बिनिया को बाहर जाने मत दो, मत दो। खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है, जाओ छोड़ो उसे। हम पे क्या चिल्ला रहे हो? गई होगी कहीं आवारा गर्दी करने? ए लगाए एक झापड़ भाई ने तुम्हारी, काय उल्टा सुल्टा पकड़े हो? अम्मा मुंह मत खुलवाओ हमारा, तुम्हें बिगाड़ी हो उसको, इसलिए ही दिन देखना पड़ रहा है। भाऊजी, भाऊजी, वो बिंदिया गांव के बाहर पड़ी है, हालत बहुत खराब है। अम्मा, अम्मा, अम्मा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया को बचा लीजिए, इसका हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, रुक, स्टेशन चलेगा जल्दी।
देखिए बच्ची की हालत बहुत खराब है, मैं इलाज शुरू करता हूँ, लेकिन ये पुलिस केस है, आप लोग पुलिस कन्फर्म कीजिए। ठीक है सर। आप इलाज कीजिए, जल्दी करो, जल्दी। तुम लोग यहीं रुको, हम थाने होके आते हैं। चलो बेटा, चलिए। बलात्कार? कैसे पता बलात्कार हुआ है? साहब हम औरत हैं, हम देख के बता सकते हैं कि गलत काम हुआ है हमारी बिनिया के साथ। अपनी मर्जी से किसी के साथ कर रही होगी, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, बलबाने लगा खून। नहीं, क्या बोल रहे हैं, हमारी बिनिया ऐसी नहीं है। साहब ये आपका लिट्टी चोखा। साहू आज शुक्रवार है, माता जी का उपवास है, इखला के पाप करवाओगे क्या? लेके जाओ। साहब हम हाथ जोड़ते हैं साहब, रपट लिख लीजिए, कार्रवाई कीजिए साहब। देखने में तो ठीक ठाक ही है, चार छह लौंडे फंसाई होगी मजा मारने के लिए, गिफ्ट के लिए कुछ धंधा करवाते थे। अरे नया जूता है भाई, खराब करिएगा क्या? ऐसा हो जी सर, जाके देखो क्या मामला है, और हाँ अगर जरूरत पड़े तो ही स्टेटमेंट लेना। जी सर। चलिए सर, आइए। देखकर तो लग रहा है रेप हुआ है, बट अभी कंफर्म कुछ बोल नहीं सकते। लड़की की हालत बहुत खराब है, इंटरनल इंजरीज हैं, पूरे बॉडी पर चोट के निशान है, लड़की को बुरी तरह से मारा पीटा गया है। अच्छा, डॉक्टर साहब इनका स्टेटमेंट ले सकते हैं अभी? नहीं, अभी नहीं। तो कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए रामचरण जी, आप समझ नहीं रहे, हमारे पास वो इंतजाम नहीं है जो हमें चाहिए, जितना हमसे हो पा रहा हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी को बचाने की। बाय अम्मा, आते ही घंटे में। अभी दिख रही थी, सर दुख रहा है, अब कहाँ जा रही है? अरे सर तो दुख रहा है, लेकिन गांव की औरतों की पढ़ाई का नुकसान भी तो नहीं कर सकते। अच्छा चलो, अभी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है? लव यू। अभी तुमको वही वो लबू टू क्या था, चल बाय। डॉक्टर साहब हम आपके पाँव पड़ते हैं, और बिनिया को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिनिया को बचा। कल रात एक बेटी के मजबूर और लाचार माता पिता का फोन आया, वो अपनी बेटी के लिए ना सिर्फ न्याय की गुहार कर रहे थे, अपनी बेटी के लिए सही इलाज। कितना बार बोले हैं कि जब हम पी रहे होते हैं तो हमारे आसपास मत आया करो। अरे हम न्यूज देख रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है आपको? बताएं क्या परेशानी है, बताएं क्या परेशानी हो रही है। 19 साल की मासूम लड़की अपने घर से बाहर निकली अपने गांव के कुछ गरीब बच्चों को ट्यूशन देने, अपने ही गांव के खेत में उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। हालांकि बलात्कार की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पर ये माना जा रहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। हम कुछ ही देर में दसिया गांव पहुंचेंगे। चलो भागते हैं साले, लफंगे आ जाते हैं साले। हमारी बिनिया इंटर कॉलेज के परीक्षा में पूरे जिला में अव्वल आई रही, तो सरकार उनको लैपटॉप इनाम में दे रही। बिटिया इतनी गांव को होनहार बच्चे है कि अपने लैपटॉप से सारे किसानों को कर्जा दिलाती है। मदन लाल जी, आपका लोन अप्रूव हो गया है, आप चिंता न करें, पैसे कल ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। थैंक यू। अरे काका। बिनिया बिटिया, तूने तो हमारा टेंशन ही खत्म कर दिया, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अरे काका कांग्रेचुलेशंस। अभी अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार SIT की टीम दसिया गांव के लिए निकल चुकी है। जैन साहब, जैन का स्वागत है साहब। आई जान, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो स्वागत और सैल्यूट की जरूरत ही नहीं पड़ती। साहब आप ड्यूटी ही तो कर रहे हैं, अब बलात्कार का रिपोर्ट सिर्फ इसलिए तो नहीं ले सकते ना कि लड़की की माँ को लग रहा है कि बलात्कार हुआ है। वो तो डॉक्टर बलात्कार का रिपोर्ट नहीं दे रहा है, लड़के बयान नहीं दे रही है, फिर भी 24 घंटे के हवलदार को तैनात किए हैं, अब इससे क्या करेंगे बताइए। हम लड़की को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल है, लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, पेट में स्प्लीन ब्रेक हो गया है, खून जम गया है, हमने पेट के खून को साफ करने के लिए ऑपरेशन भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लड़की के बचने के चांसेस बहुत कम है। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने डॉक्टर से बात की है, बिंदिया की हालत जैसी थोड़ी ठीक होगी उसे पटना के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, और हाँ आप लोगों की कंप्लेंट हम अभी लिख रहे हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करेंगे। अमिनी इन लोगों की कंप्लेंट लिखो। सर जाइए।
ये लोकल पुलिस के कारनामों की वजह से ये मामला बहुत बिगड़ चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द रिजल्ट देना होगा। मामला बहुत सेंसिटिव है, ध्यान से काम करना। सर, 16 सितंबर को बिंदिया यहीं पर गाँव वालों को पड़ी मिली थी, ऐसा उसके माँ बाप और गाँव वालों का कहना है। लेकिन जब आप लोगों ने क्राइम सीन विजिट किया था तो एविडेंस तो इकट्ठे किए होंगे ना? सर, चौहान साहब के हिसाब से तो कोई केस ही नहीं बनता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। Disgusting. क्राइम को इतने दिन हो चुके हैं, अगर कोई सबूत छूटा भी होगा तो अब तो मिलना मुश्किल है, और हो सकता है इतने दिनों बाद एक क्राइम सीन की शक्ल ही बदल गई हो। सर एक मिनट, सर ये देखिए, शायद खून है, हो सकता है बिंदिया का। हाँ हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना सा खून? सुमित, जिस तरह से बिंदिया के साथ मारपीट की गई, सिर्फ इतना खून गिरे बहुत मुश्किल है। कंफर्म है कि उसके साथ ये मारपीट या शायद रेप भी कहीं और हुआ है। उसे यहाँ लाकर सिर्फ डंप किया गया है जिससे सबूत मिट जाए। हमें उस जगह का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा, वरना हो सकता है वहां से भी सारे सबूत मिटा दिए गए हों। सर, जिस तरह से इस केस ने मीडिया में हाइप ली, पूरी तरह से मुमकिन है कि जिन्होंने भी ये किया है या तो फरार हो गए या फिर अंडरग्राउंड। जी कहिए। अरे आप कहाँ आ गए सर, ये तो लोकल मैटर है, हम लोग संभाल लेंगे, आप लोग जाइए। देखो चौहान, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन जब हम यहीं हैं तो हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, वैसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है वो देखो। साहू, सर साहब के साथ रहो। जी सर। इनका नाम मंसूर अहमद है, यहीं अपना घर से क्लिनिक चलाते थे, ये सब गाँव वाला लोग इनका लाश देखा तो हम लोग को बताया। इनका बॉडी के पास से हमको सर बैग, पर्स, मोबाइल, चाबी मिला है, लेकिन मर्डर वेपन कुछ नहीं मिला है सर। इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगैरह था? अरे नहीं सर, उल्टा गांव में बड़ा नाम था इनका, गांव वाला लोग बड़ा इज्जत करता था, रात को भी पेशेंट आ जाना सर तो कभी मना नहीं करते थे। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? फैमिली में तो कोई है नहीं सर, शादी किए नहीं थे, अकेले रहते थे। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मोबाइल डिटेल्स भी निकालना सर। सुमित, इनके घर का चक्कर लगा के आते हैं। ठीक है सर। ये रहते कहाँ थे? सुमित सर, इधर आओ। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे खून के निशान है। फॉरेंसिक टीम बुलाओ और ये एविडेंस कलेक्ट करा। जी सर। हो सकता है किसी पेशेंट को? नहीं भी हो सकता। राइट सर। सुमित सर, वो देखो सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज निकलवाओ। थोड़ा दूर है, शायद अपने काम की हो। राइट सर। अरे क्या कर रही हो तुम ये सब? हाँ, अरे सब्जी काट रहे, खाना बनाएंगे। अरे तो तुम्हारे हाथ में तो एक चोट लगी है कली, ताजा ताजा। अभी ये सब छोड़ो, ऐसे सब्जी नहीं काटोगी तुम। तब कैसे काटेंगे जी? देर हो रहा है हमको, तुम्हारे बाबू आने वाले हैं और तुम्हारे भाई से ना 2 मिनट भी भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अरे सुनो तो सही, इधर बैठा हूँ तुम्हारे लिए कच्चा लाए हैं, ये देखो। इका लेके आई है? अरे इको कहते हैं सब्जी कटर। तो कौन हो अंग्रेजी मशीन है? और ये बहुत आसान है, तुम्हारा अचानक से हाथ नहीं कटेगा। मेरा एक चोट नहीं बर्दाश्त कर पाती थी, तुम्हारा इतना सारा चोट कैसे बर्दाश्त करे बेटा? सर, हाँ, डॉक्टर अहमद के घर के सामने जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज मिल गई। दिखाओ। ये देखिए,
सर, डॉक्टर अहमद के बॉडी मिलने के करीब एक घंटे पहले, मतलब दोपहर 3:30 बजे, वो अपने घर से निकलते हुए नजर आ रहे। कुछ भी सस्पिशियस नहीं, सब नॉर्मल है। सर, हमने इसके पहले की भी फुटेज चेक की, तो 16 तारीख जिस दिन बिंदिया के साथ हादसा हुआ था उस दिन की फुटेज देखी। सर, किसी का भी चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा। लड़की को देखो और इसके कपड़े, लगता बिंदिया ही है। क्यों? क्योंकि बिंदिया की माँ ने बताया था कि हादसे वाले रोज बिंदिया इसी टाइप के कपड़े पहने थे। जी सर। हाँ, ये दोनों लड़के, ये कौन है? हेलो। अच्छा ठीक है, हम पहुँचते हैं। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, बिंदिया को होश आ गया। जब से होश में आई है ऐसे ही, कोई मोमेंट नहीं है ना बॉडी में ना ही आंखों में। अब सब कहना है। हाँ या बिंदिया, बेटा बिंदिया, अगर मुझे सुन रही हो तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस दिन। बोलो बेटा क्या हुआ था। हेलो बेटा क्या हुआ था उस दिन। एक मिनट, फिर बेहोश हो गई। देखिए, मुझे लगता नहीं कि आप कोई कुछ बता पाएगी, क्योंकि फिजिकल इंजरीज के साथ मेंटल ट्रॉमा भी है। अभी ये बिंदिया के माँ बाप की कंप्लेंट तो हमने ले ली है, पर अभी भी यकीन से नहीं कह सकते कि उसके साथ रेप हुआ था या नहीं। सर, बिंदिया ने उस दिन जो कपड़े पहने थे उसका एक टुकड़ा मिसिंग है, अब तक नहीं मिला है। बाकी के कपड़ों को फोरेंसिक के लिए भेज दिया। गुड। मोबाइल डिटेल्स का क्या हुआ? सर, वो चेक किए, कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है, और मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो गाँव से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कभी गई नहीं। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है कि बिंदिया के केस का डॉक्टर अहमद के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है, क्योंकि हादसे वाले दिन वो दोनों लड़के बिंदिया को डॉक्टर अहमद के पास ही लेकर आए थे। किस लिए लाए होंगे, क्या हुआ होगा? और फिर देखो 5 मिनट बाद ही वो दोनों लड़के बिंदिया को लेकर उसी ऑटो में वापस भी चले गए, और ले जाने के काफी देर बाद बिंदिया उस हालत में मिली, क्या हुआ होगा? सर, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर अहमद को इसलिए मारा हो क्योंकि वो जानते थे कि बिंदिया के साथ उस दिन क्या हुआ। कातिल को ये डर हो कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसे डॉक्टर अहमद को मार दिया हो। बिल्कुल हो सकता है, कातिल को तो हमेशा ही ये डर होता है। लेकिन इस केस में आगे बढ़ने के लिए उन दोनों लड़कों और ऑटो ड्राइवर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्हें पकड़े कैसे? सुमित, एक तरीका है उन दोनों लड़कों तक पहुंचने का, वो डॉक्टर अहमद के घर के बाहर वाली CCTV फुटेज है ना, वो निकालो। सर। देख ही नहीं रहा है कुछ। सर, नंबर प्लेट बहुत धुंधला है, कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, सब पिक्सेलेट हो गया। वही ना, एक तरीका है, शायद काम कर जाए। इस फुटेज को ना एक्सपर्ट के पास भिजवाओ, उससे बोलो कि इसका रेजोल्यूशन बढ़ाए, शायद ये ऑटो का नंबर दिख जाए। सर सर, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। सर, बिंदिया के परिवार में पहले से कुछ टेंशन चल रही थी, उसके भाई बिसेसर ने उसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार मारपीट की है। साहब, ऐसा कोनो बात नहीं है, जो आपको बोला है वो गलत बोला है। तो सही तू बता दे, तूने बिंदिया को क्यों मारा, वो भी एक बार नहीं कई बार। साहब, हम कई बार नोटिस पे लिए थे, उस सड़क पे लड़का लोग के साथ में खींची करके दांत चिरिया के बात करती थी, इसलिए उसकी भलाई के लिए उसको 2-4 झापड़ मार दिए थे। तुम बीच में मत बोलो। ला गया है। पढ़ाई के नाम पे लड़का लोग के साथ में खीखी करती रहती है। अब ना रहेगा किताब और ना जाएगी ये बाहर। अच्छा, उसकी भलाई के लिए उसे मारा। ये हमारा गांव है, आपका शहर नहीं है,
कि सब लड़का लड़की बेशर्मी की हद पार कर दे। गांव का अपना कुछ मर्यादा होता है, सब लड़की को इसका ध्यान रखना चाहिए। कहीं आपके गुस्से और सबक सिखाने का नतीजा तो नहीं है कि बिंदिया की ये हालत है? भगवान का भय रखिए साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप, बाप है उसके। और तू, तुझे क्या लगता है कि मर्यादा में रहने का सारा ठेका सिर्फ लड़कियों ने लिया हुआ है? अरे जब तूने उसे दो चार थप्पड़ मारे और उसे बात समझ में नहीं आई तो तूने उसे बड़ा सबक सिखाने की सोची। साहब हम झापड़ मारे सो बता दिए और कुछ नहीं किए, और ये बात भी सच है हमारी बहन के साथ में जो ये हाल किया उसका तो कुछ खोज खबर मिल नहीं रहा है, उल्टा हम ही पे सारा कार्रवाई चल रहा है आपका। सर सर ऑटो के नंबर से ड्राइवर का पता चल गया है, उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई। जी जी साहब, ये ऑटो हमारी है। 16 सितंबर को तेरे ऑटो में दो लड़के एक लड़की को लेकर डॉक्टर अहमद के यहाँ गए थे या नहीं? हाँ साहब गए थे। वो पूरा किस्सा बता। साहब वो दिन ना गांव के पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे तो दो लड़का हमारा रिक्शा रुकवाए, एक और लड़की था साहब, उसको हमारे रिक्शा में बिठाए के बोले कि डॉक्टर अहमद के यहाँ घर पे ले चलो। हम साहब उनको वहाँ ले गए थे, थोड़ा टाइम के बाद फिर वो बाहर आए तो बोले कि जहाँ से उठाए वो गांव के पीछे वाला रास्ता वहाँ हमें छोड़ दो। साहब हम उनको वहाँ छोड़ के आगे बढ़ गए थे, बाकी अम्मा कसम साहब हमें कुछ। अरे अपनी राम कहानी बंद करना। लड़की की हालत कैसी थी? वो लड़की का हालत ठीक नहीं था साहब, जैसा बेहोश रहता ना साहब वैसा था वो लड़की। उन दोनों लोगों को जानता है? नहीं साहब हम नहीं जानते उन्हें। अरे देखेगा तो पहचानेगा। जी जी साहब पहचान लूंगा। सुमित क्या चार्टिस बुलाओ। सर देखो तो ये लड़का लोगों को पहचानते हो? हाँ साहब खूब पहचानते हैं। ये दोनों लफंगा दिन भर यहाँ घूमते रहते हैं, वो दिन हमारे घर में झांक रहे थे। अच्छा कहाँ मिलेंगे दोनों? साहब वो गली के आगे आखिरी मकान के सामने, और दिन भर सारे खटिया तोड़ते रहते हैं वहीं पे। ठीक है साहब, हमारा नाम सुभाष झा और ये मोती शुक्ला। क्यों इसके मुंह में जबान नहीं है या कहीं का नवाब है जो अपना नाम नहीं बता सकता? साहब हम बोलने ही वाले थे, उससे पहले ही बोल दिया। ठीक है तो अब बता, तू ही बता, बिंदिया यादव को कैसे जानते हो तुम दोनों? साहब पर्सनली तो नहीं जानते साहब, लेकिन उस दिन हम गांव के पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे हम दोनों तो। हाँ साला बहुत तेज गर्मी पड़ रही है बे। हाँ भाई आराम करते, चल 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 चल। कुछ आवाज आ रही है रे, इधर से आ रही है रे, देख। अभी जिंदा है बे। लेकिन इसका हाल कौन किया होगा, ऐसा कौन फेंका होगा इसको यहाँ? अबे जब तक जासूस बनोगे मर जाएगी बेचारी। आओ डॉक्टर के पास लेके जाते। उठा उठा भैया 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 भैया। अरे क्या हुआ भैया? भैया डॉक्टर के पास ले जाना भैया। बैठो बैठो भैया। हम उसको डॉक्टर अहमद के पास ले गए पर वहां देखे कि अरे ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ऐसे कैसे इलाज कर दूं? तुम लोग कह रहे हो कि पहचानते तक नहीं हो इसको, फैमिली वाले को लेके आओ नहीं तो हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं बेकार में किसी झंझट में फंसना नहीं चाहता। गजब करते हैं भाई, डॉक्टर है ना, शपथ लिए हो ना, थोड़ी तो शर्म कीजिए। आप लड़की की हालत देख नहीं रहे, कैसे हद भरी है। आप इलाज शुरू कीजिए, फैमिली की चिंता आप मत कीजिए, हम ढूंढते हैं। नहीं बिना फैमिली की इजाजत के मैं इलाज नहीं कर सकता। चल सुभाष सब झोला छाप डॉक्टर है यहाँ पे। पहले लगा डॉक्टर चंपा का आदमी है, फिर बाद में समझ में आया सही तो कह रहा है, जान ना पहचान हम टांग अड़ा रहे उसमें तो हमने उस लड़की को उठाया और वही छोड़ाया जहाँ से उठाए थे। अब बाद में मैं टीवी पे देखा तो पता चला कि बहुत बड़ा बवाल कटा है, तो हम दोनों डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे ताकि फंस ना जाए। हमें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कांड हुआ है साहब। कांड हुआ या तुम लोगों ने किया है, पहले उस लड़की की इतनी बुरी हालत की और अब झूठी कहानी सुना रहे हो? बोले थे ना तुमको और बनो मसीहा, खुद तो फंसे हमको भी फंसवा गए तुम। हम तो बस उस लड़की की मदद कर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। दामिनी सर दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ। चलो जब तक केस सॉल्व नहीं होता गांव छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है सर। सर ये दोनों साधु है या शैतान कहना मुश्किल है। सुमित इन दोनों पर नजर रखवाओ और जहां से इन दोनों ने बिंदिया को ऑटो में बिठाया था उस एरिया में पूछताछ करो, हो सकता है कोई एविडेंस कोई क्लू मिले। सर
पुलिस को अब तक गांव वालों से कोई क्लू नहीं मिला था। मोती और सुभाष का दावा था कि वो बिंदिया को बचाना चाहते थे और बिंदिया का अपना भाई उसे पीटता था, पर इस सब में डॉक्टर की मौत एक बहुत बड़ी गुत्थी थी, शायद जिसको सुलझाने के बाद ही बिंदिया के कातिलों तक पहुंचा जा सकता था। सर, सुभाष और मोती ने बिंदिया को जिस एरिया से रिक्शा में बिठाया था सर, वहां पे जाके चेक किया, काफी सुनसान एरिया है, किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। मतलब ये सुभाष और मोती जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ कन्फर्म नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है, दोनों पे नजर बनाए रखो सर। और हाँ, ये बसे सर, इसका अपनी बहन बिंदिया का लड़कों से बातचीत करना, मिलना जुलना पसंद नहीं था ना, छुपा तो नहीं रहा ये हमला, कहीं कुछ और तो नहीं? और क्या होगा साहब, हमको बिंदिया से एक के प्रॉब्लम था, गांव का लोफर टाइप का लड़का लोग के साथ में हस्ती भूलती है, बाकी तो खाना बनाना, अम्मा के साथ हाथ बटाना सब कुछ करती थी वो। मतलब कोई और ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें लगता है कि हमें पता होनी चाहिए? नहीं। खाना बना के रख दी, आप दोनों लोग का खा लीजिएगा, मैं अस्पताल जा रहा है बिंदिया के पास। क्या इतना हेकड़ी दिखा रहे हो जी, साहब से कायदे से बात करो, ये अपने लिए नहीं तुम्हारे बहन को न्याय दिलाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पता है तो बता दो। साहब वो हम एक बार सुने थे कि केवल इंडिया पे कमेंट बाजी करता है, उसको आते जाते छेड़ता है। कौन केवल? साहब संजय ठाकुर का बेटा है, वो दोनों बाप बेटा पूरे गांव को अपना जागीर समझते हैं, बहुत बाहुबली बन के घूमते रहते हैं दोनों। वही ना, पहले कहीं नहीं बताई सब बात। कैसे बताते, हम बिंदिया से पूछे थे, वो कंफर्म करती तब ना बताते। बिंदिया बेटा, ये सब तुम्हारे साथ केवल ने किया था? बोलो, केवल ठाकुर था वो? कुछ तो बोलो। बिंदिया देखो, डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। बताओ केवल ने किया तुम्हारे साथ ऐसा? तुम्हें मारा, जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? बोलो बिंदिया, नाम बोलो उसका, किसने किया? बोलो बेटा, केवल ठाकुर ही था ना वो जिसने तुम्हारे साथ ये किया? सर ये हाथ के इशारे से क्या बताने की कोशिश कर रही थी, कि वो सब केवल ठाकुर ने किया या कोई और बात? हो सकता है कि ये केवल ठाकुर ने ही किया हो सर। सर दोनों बाप बेटा एकदम जानवर है, फालतू का दबंग बना फिरता है गांव में। एक टाइम पे उसका बाप ही संजय ठाकुर के ऊपर ना दो दो रेप का केस रजिस्टर था सर। क्या केवल का नाम सुनकर बिंदिया का उंगलियों से इशारा करना महज एक इत्तेफाक था, या बिंदिया इसी तरह अपना केस दर्ज कराना चाहती थी? क्या वाकई केवल इस कांड में शामिल है? क्या डॉक्टर अहमद का कत्ल भी केवल ने ही किया? क्या बिंदिया केस में लोकल पुलिस को यह पहले से मालूम था कि केवल और उसका बाप संजय ठाकुर इस मामले में शामिल है और इसीलिए उन्होंने केस दर्ज नहीं किया? या इस पूरे केस की जड़ में जात पात की गंदी सोच है जिसके सूत्रधार सुभाष झा और मोती शुक्ला है? क्योंकि जो लड़के घायल बिंदिया को इलाज के लिए डॉक्टर अहमद के पास ले जा रहे थे, उन्होंने उसे मरने के लिए खेत में क्यों छोड़ दिया? उन्होंने सरकारी अस्पताल या फिर पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? या फिर बिंदिया के कत्ल के पीछे उसके भाई की वो दकयानी सी सोच तो नहीं है कि बिंदिया का कैरेक्टर ठीक नहीं था? अरे साहब, आप हमको फिजूल में उठा लाए हैं, हम क्या किए हैं? वो तो तू बताएगा ना क्या किया तूने, और तू आते जाते बिंदिया को छेड़ता था ना? क्या, कभी नहीं साहब, और हम कहां छेड़ेंगे बिंदिया को, कोना हूर की परी है का? हम लड़की के पीछे नहीं जाते हैं, लड़की चुंबक की तरह हमारे पीछे आती है, हम सब समझ रहे हैं। आप जो हमको ये फंसाने का कोशिश कर रहे हैं ना, अरे उस दिन हम गांव में थे ही नहीं, अपने दोस्त से मिलने पटना गए थे और शाम को 7 बजे दसिया लौटे। इस केस से हमारा कोई लेन देन नहीं है, पहले बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो उस दोस्त का नाम, फोन नंबर और एड्रेस बता। हाँ तो बता देते, उसमें कहा है। हाँ लेकिन एक बात और कह देते हैं, इतना सख्ती उस पर दिखाइए जो ये किया है, हमारे ऊपर फालतू का समय बर्बाद मत कीजिए। चलो, गांव का चिरकुट लोग आपका कान भर दिया, आप हमको उठा लाए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा टाइम बचा, और बता किसने किया होगा ये सब? अरे कोई एक हो तो बताएं, बहुत सारे संदिग्ध हैं। एक तो वो बिंदिया का भाई बसेसर है, जितना सीधा दिखता है ना उतना है नहीं, हम तो सुने थे कि अपनी बहन के साथ भी कुछ गलत काम किया है वो। और दूसरा? दूसरा हमारा बाप संजय ठाकुर। क्या,
तेरा बाप? हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, पहले से है उसके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा है। अम्मा के जाने के बाद बापू शरीर का गर्मी झेल नहीं पाया और कपड़ा पहनी हुई लड़की का भी आंख से एक्सरे निकाल लेता है। सर लाड टपकता है कि पूरा मन घिन ना जाए। सिंह सर इसके सारे डिटेल लो। सर चलो। तुम्हें ये तो अपने बाप को ही फंसा रहा है डायरेक्ट। अरे भाई मुझे मत मारो भाई मुझे मत भाई मुझे मत मारो भाई। सर इसका नाम दीपू सक्सेना है, ये पास के गांव में डॉक्टर तिवारी के यहाँ कंपाउंडर था और इसी गांव में कमरा किराए पे लेके रहता था। सर मैंने डॉक्टर तिवारी के यहाँ भी फ़ोन किया तो पता चला कि ये 16 सितंबर से काम पर नहीं गया था। सर क्या लगता है ये तीनों केसेस कनेक्टेड हो सकते हैं? हो सकते हैं। साहू जी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सुमित तुम इसके रूम की तलाशी लो और गाँव में पता करो कि 16 तारीख को इसे कहीं किसी ने देखा था क्या। जी सर। दीपू उस दिन हमसे सिगरेट लिया था साहब, तब देखे थे उसके शर्ट पर लाल निशान लगे थे, पूछा तो बोला कि पेंट गिरा है। निशान गीला था? हाँ साहब, जैसे अभी भी गिरा हो। पर एक बात बोले साहब, वो हमको पेंट नहीं लगा। वो पेंट कैसा रहता है, दूर से महकता है, पर साहब ना तो उसमें खुशबू थी और ना ही बदबू। बिंदिया जहाँ मिली थी वो जगह यहाँ पास में, मतलब क्राइम भी यहीं कहीं आसपास ही हुआ है। सर्च वारंट निकल, आसपास जितने भी खाली घर या दुकान है सब जगह चेक करो। अरे साहब यहाँ तो सब घरों में लोग रहते ही हैं, बस एक ठाकुर साहब का घर है जो खाली रहता है। संजय ठाकुर? हाँ। सुमित छोड़ दो। सर ये तो बिंदिया के कुर्ते का कपड़ा है जो फट गया था। सर ये नाखून का टुकड़ा है और कुछ बाल, लगता है बिंदिया का रेप यहीं हुआ है। हेलो क्या हुआ? हॉस्पिटल में बिंदिया की डेथ हो गई। ऐ चल। सर क्या यहाँ की बिंदिया बेटी मर गई? ये वही गुस्साई लोग हैं जो बिंदिया के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, उसके माँ बाप को सांत्वना दे रहे हैं क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जो पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी आज लड़ाई हार गई है। माँ बाप के रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी लोकल पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और केस को SIT को सौंप दिया, लेकिन SIT ने भी इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। अब सवाल ये, संजय ठाकुर के खाली घर में जो कपड़े का टुकड़ा मिला था वो बिंदिया के कपड़ों का हिस्सा है, पर वहाँ पे जो खून मिला था वो भी बिंदिया का है। और सर बिंदिया के कपड़ों पे दो लोगों के सीमेंट के ट्रेसेस मिले। किसके? वो दिन जब बिंदिया ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी ना तो हम उसे रास्ते में धर लिए थे। खींचते हुए संजय ठाकुर के खाली पड़े मकान में ले आए उसे। बहुत जाना खेल में अब हम पूरी सावधानी बरते थे साहब, सब कंडम यूज किए थे ताकि कोई सबूत ना छूटे साहब। तुम्हारी वो सावधानी कोई काम नहीं आई।
बिंदिया की सलवार पर तुम दोनों का सिमन मिला है। कोई तो गलती हो गई साहब, हम साफ वाफ करने लग गए थे, लेकिन ईमानदारी से बता रहे साहब, हमें उसे मारने का कोई इरादा नहीं था साहब, लेकिन कहा करते साहब, वो काबू में ही नहीं आ रही थी तो मारना पड़ा साहब। मारना पड़ा तुम्हें? जब हमने देखा ना कि उसकी हालत बिगड़ने लगी तो हम खुद उसे डॉक्टर अहमद के पास ले गए थे साहब। सर संजय ठाकुर के खाली घर पर तो ताला लगा हुआ था, फिर भी इतने आराम से अंदर कैसे गए? साहब वो घर का मालिक खुद मंजूरी दिया था साहब। मालिक मतलब केवल ठाकुर? नहीं साहब, वो लंबट को कौन पूछते है साहब, सब उसका बाप संजय ठाकुर। उस दिन जब हम बिंदिया के साथ जबरदस्ती कर रहे थे ना साहब, तो वो वहीं खड़ा था साहब। बोरा गए हैं आप लोग, ये बवाल से हमारा क्या लेना देना बताइए आप। मोती और सुभाष ने तुम्हारा नाम लिया है। तो क्या? अरे वो लंपट दोनों किसी का भी नाम ले लेगा, कल को उठ के इनका नाम लेगा, के रेपिस्ट है तो मान लेंगे आप। सुमित चलो नहीं मान रहे, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे उस ताला लगे हुए खाली घर में वो दोनों इतने आराम से घुस कैसे पाए? ये तो उनसे पूछना चाहिए था ना आपको। अरे पूरे गांव में चोरी चकारी करता है वो दोनों, हमारा चाबी भी उठा लिया होगा, क्या हो गया? अच्छा सुना है तुम्हारे ऊपर दो रेप केस भी थे? दोनों में बेइज्जत बरी हुए थे, नहीं सुने आप? आप लोग शहर से आए हैं ना, तो आपको गांव का कोई ज्ञान तो है नहीं। यहाँ पे जाति बिरादरी अमीरी गरीबी का बड़ा खेला चलता है, अपने से रईस को और ऊंची बिरादरी को नीचे गिराने के लिए बड़ा बड़ा षड्यंत्र रखता है लोग। लेकिन क्या है ना, झूठ का पांव होता नहीं तो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। समझ में आ रहा है कि फिर से समझाएं? इस संजय ठाकुर की अकड़ तो मुझे भी ढीली करनी है, पर उसे अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है मेरे पास। सर गुडाउन में जो नाखून और बाल मिले थे उसका डीएनए संजय ठाकुर के डीएनए के साथ 50% मैच हुआ। इसका मतलब केवल ठाकुर के साथ 100% मैच। अरे अरे कोनो काम नहीं आप लोग, जब देखो तब उठा लाते हैं। हम बता दे रहे मीडिया में जाएंगे हम और ऐसा बैंड बजाएंगे कि नौकरी से हाथ धोगा। धोगा धोगा ए पुलिसिया, अरे हिम्मत कैसे हुआ मेरा बेटा पे हाथ उठाने का? ए वहीं खड़ा रहे और आवाज नीचे। तो इतना तोड़ूंगा ना तुझे। बता तुम्हारे उस खाली घर से तेरा वो बाल और टूटा नाखून मिला था? अरे तो इसमें कौन सा तीर मार लिए आप? हमारा घर है, मिल सकता है। हम कुछ दिन पहले अपने सामान की मरम्मत कराने गए थे, तब हमारा ये नाखून टूटकर वहां पर गिर गया था। और बाल का क्या है, जितनी सभ्यता से ये पेश आए हैं ना, 8-10 बाल तो यही गिर गए होंगे। तो उसके खिलाफ भी कोई जुर्म मार दीजिए हमारे लिए। तेरे खिलाफ इतना सब कुछ मिला है उस घर में तो तुझ में शक ना करें। तो तू किस बिना पे बोल रहा था कि तेरे बाप ने बिंदिया का रेप किया हो सकता है? अरे खाली बाप कहां बोल रहे हैं, हम तो बसेसर का भी नाम लिए थे और इतना बोले थे कि बस बढ़िया से छानबीन कीजिए। देखा तेरा बेटा तुझे ही फांसी पे चढ़ाना चाहता है। वो हमारा घर का मैटर है, वो हम देख लेंगे। अभी खाली इतना बताओ कि तुम्हारा हो गया हो तो हम लोग जाएं। पहले ये उंगली नीचे कर, नीचे कर, देख लो। चल देखता हूँ, चल को मैं नंगा करो दोनों को और तब तक मारो जब तक पूरी बॉडी पे निशान ना आ जाए। बोलते हैं गांव के लोग सीधे होते हैं, दिमाग घुमा के रख दिया है, तोड़ते रहो दोनों को। बता करो, वो संजय ठाकुर नहीं साहब, केवल ठाकुर के कहने पर किए हम सब। उस दिन जब डॉक्टर अहमद के घर से बिंदिया को लौटा लाए तब केवल ठाकुर ने गांव के कंपाउंडर दीपू को फोन करके घर बुला लिया। सर खाली डॉक्टर के यहाँ चाकरी करना सीखे हो, इलाज बिलाज कुछ जानते हो? एक लड़की को होश में नहीं ला पा रहे हो? अरे ठाकुर साहब हम डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है। दीपू उसको होश में लाने के लिए 3-3 इंजेक्शन दिया था साहब। होश में क्यों लाना चाहते थे? वो केवल ठाकुर को वो बिंदिया का चीख सुनने में मजा आ रहा था साहब। संजय ठाकुर का नाम क्यों लिया था? साहब वो केवल बोला था साहब, सब बोला था अगर पुलिस हम तक पहुंच जाए तो उसके बाप का नाम ले ले और बाकी जिंदगी भर वो हमें हमारा खर्चा उठाता साहब, ऐसा बोला था साहब। डॉक्टर अहमद और दीपू को क्यों मारा? साहब वो डॉक्टर अहमद ने वो बिंदिया को टीवी में देख लिया था, वो पुलिस में जाने की कोशिश कर रहा था साहब। साहब उनको फोन करके हमने एक सुनसान जगह पर बुलाया और बोला कि एक महिला बेहोश है। जी कहिए।
साहब दीपू भी बहुत खौफ खा गया था साहब, सब वो डर के मारे घर छोड़ के सब कहीं और छुपा हुआ था साहब, और जो वो सिपाही आपने हमारे पीछे लगा रखा था हम पे नज़र रखने के लिए, सब उसे नज़र बचा के हम एक दिन दीपू के पास पहुँचे और फिर अरे भाई मुझे मत मारो भाई। साहब वो केवल हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया साहब, उसके चक्कर में हम दो मर्डर किए साहब, आप लोग का गलती नहीं है सर, आप लोग तो शहर से आए हैं, गांव का तो कुछ आइडिया है नहीं आप लोगों को। शहर हो या गांव, जानवर जानवर होता है, जैसे कि तू एक जानवर है। हम जन्म से जानवर नहीं थे सर, इसलिए बाप हमारा हमको ऐसा बनाया है, चप्पल फेंक के मारता था कभी सीधे वो बात नहीं करता था हमसे। अरे कितना बार तो हम सोचा कि इस बुढ़ऊ को हम ही टपका देते हैं, जब भी उसको मारने का सोचते ना उसका जल्लाद वाला शक्ल मेरे सामने आता था और उस चक्कर में हमारी पैंट गीली हो जाया करती थी। तभी एक दिन बसेसर हमारे पास आया, उसको कुछ पैसा चाहिए था। पैसा तो हम दे देंगे पर क्या गारंटी है कि लौटाओगे, और ये सब मदद के बदले में हमको क्या मिलेगा? तुमको हमारी बहन बिंदिया पसंद है ना, हम तुमको उसका पूरा दिनचर्या बता देंगे, जो करना है करो, बदले में हमको पैसा दे दो। ठीक है, तभी चमका हमको कि बिंदिया की मेहरबानी से हम अपने जल्लाद बाप से छुटकारा पा सकते हैं, इसीलिए तो हम अपने खाली वाले घर में सुभाष और मोती से बिंदिया का रेप करवाएं कि ताकि अपने जल्लाद बाप को फंसा सके। अरे हम तो बिंदिया को छुए तक भी नहीं थे, बस दूर से मजा ले रहे थे, और अपने पटना वाले दोस्त को भी बोल दिए थे कि पुलिस अगर कुछ पूछेगी तो बोल देना कि हम तुम्हारे साथ में थे, अपना मोबाइल उसके पास भिजवाएं कि ताकि लोकेशन वहां का दिखाई दे। लेकिन आप लोगों ने तो पूरा प्लान पे पानी फेर दिया हमारे। अरे बुलाओ उसको। आपका क्या कहने ठाकुर साहब, क्या मिलेगा? अरे सब पुलिस वाले हमारे ये हमारे पूज्य पिताजी की मधुर वाणी है, वो हमको रत्ती भर भी नहीं चाहते हैं। लेकिन गांव में भौकाल तो टाइट रहना चाहिए ना, अब देखिएगा हमको ज्यादा देर वो यहाँ पर टिकने नहीं देंगे और आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। नेखली साहब आप अभी हम पे ही शक कर रहे हैं। अरे गांव के बड़े लोग हैं, बड़े से बड़ा वकील कर लेंगे, पेशी से पहले जमानत भी ले लेंगे, आप और हम जैसे चाह के भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए हो गया था पवन, संभालना तो हमको ही पड़ेगा। तो चौहान जैसे लोग पुलिस में भर्ती किस लिए होते हैं? ये रसूखदार लोगों के तलवे चाटने के लिए और रिश्वत खोरी के लिए बस। सर केवल छुपना नहीं चाहिए, वरना बिंदिया को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा, कोर्ट में ये अपने बयान से मुकर जाएगा और केस हमेशा के लिए लटक जाएगा। सर हमें कुछ तो करना हो। कमीने, शर्म नहीं आती? भाई होकर अपनी बहन के साथ क्यों किया ये सब? उसका लैपटॉप तक बेच दिया? सर वो थोड़ा पैसे का जरूरत था साहब। पैसे का जरूरत था? बोले थे ना ज्यादा देर रोक नहीं पाओगे, चलिए चलते हैं। साहब हम सरेंडर कर रहे हैं, हमने मर्डर किया है केवल ठाकुर का। उसका बाप संजय ठाकुर हमारा बहन का रेप किया और भाग गया सर, जानवर लोग हैं ये लोग। आज उसका बेटा ने एक लड़की का रेप किया और मर गई। सांप का जात है सर ये लोग, सांप का जात है, इनको खाली फन उठाना और काटना आता है, इसीलिए मार दिए हम उसको। कांस्टेबल साहू सिर्फ ठाकुर के कत्ल में गिरफ्तार हुआ, कानून का एक रक्षक कानून अपने हाथ में ले इसके क्या मायने? क्या कानून पर से उसका भरोसा उठ चुका था? अगर ऐसा है तो फिर मामला और भी गंभीर है। देश में रेप के लगातार बढ़ते मामले सिस्टम और समाज पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, और साथ ही ये आगाह कर रहा है कि अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आखिर देश की माँ बेटियाँ और बहने कब तक इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाती रहेंगी? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।